सावित्रीबाई फुले घडले पाहिजे तर सावित्रीबाई फुले घडली कारण इथं बसलेल्या माझ्या तमाम महिलांना माझी विनंती
तुमच्या मुलाच्या रूपामध्ये असेल, जावायच्या रूपामध्ये, तुम्ही घरच्या महिलांना प्रोत्साहन द्या, त्यांना एक बॅकबोन द्या की तुम्ही त्यांची एक सावली बना की तुम आम्हाला हिला सावित्रीबाई फुले, मला सावित्रीबाईंनी फुलेंनी घडवलेलं आहे, इथपर्यंत आम्ही आलेलो आहे, तर आम्हाला घरातूनच आम्हाला आमचं घर उभं करायचे, आमची सून उभी करायची, आमची मुलगी उभी करायची आहे, आणि आमचं घर आमच्या मुलींना शिक्षण द्यायचं आहे. जर एक मुलगी शिकली तर घर सुद्धा शिकतं, घर सुधारतं, आणि घर सुधारलं तर समाज सुधारतो. त्यामुळे बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, आणि जर कोणी घेईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. मी बाबासाहेबांसाठी एवढंच बोलते, महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, यूं ही मनुवाद के घूंघट में रोती रहती, फिर सर उठाना आसान नहीं होता. मेरे भीम ने तेरे हाथों के बेड़ियों को तोड़ा, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता. अरे डीएम सीएम पीएम कोई महिला नहीं बनती अगर मेरे भीम का लिखा संविधान न भैया जी राइट में, लेफ्ट लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट लेफ्ट सब लोग लेफ्ट 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 में. हा रुकना मला पण काढून घ्या चला फटाफट या पे देखिए. हाँ काढते मी. चला झालं. आता याच्यानंतर आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या आणि आपल्या पक्षामध्ये अभिमानाची गोष्ट एक हिरोईन आलेली आहे, त्यांचे दक्षिणेमध्ये पिक्चर आहे, आणि आपण सर्व सामान्य लोक आहोत. पायल जी हमारा प्रोग्राम जो 3 जानेवारी का होता है वो बड़े हॉल में होता है, रविंद्र नाट्य मंदिर में हर साल होता है, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोगों ने यहाँ छोटा सा प्रोग्राम रखना चाहिए इसलिए रखा है, क्योंकि हम लोग बड़े मायने में जो जो लड़ी पूरे महाराष्ट्र में देश में अच्छा काम करती है उनको सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है सावित्रीबाई फुले के नाम से, और आठवले साहब की मम्मी की उनके नाम से. अभी कोविड के वैक्सीन आ गए हैं, इसके बाद ये प्रोग्राम हम बाद में करेंगे. आणि इथं खूप साऱ्या लेडीज आलेल्या आहेत, आमच्या जाधवबाई शशिकला नाही जाधव सगळ्या लेडीज कुठून कुठून आलेल्या आहेत, श्यामाताई परंतु आपला प्रोग्राम संपलेला नाही, फक्त यांना जायचंय, त्या हिरोईन आहेत, जायचंय शूटिंग असल्यामुळं ह्या फक्त बोलतील आणि लगेच निघतील सीमाताईंचं भाषण झाल्यानंतर, पण प्रोग्राम संपलेला नाही. उषाताई बोलणार आहेत, शशिकलाताई बोलणार आहेत, आणि पक्षाचा महत्वाचा ठराव होणार आहे, तेव्हा कुणी हलायचं नाही जागचं. जय भीम. जय भीम. थैंक्स टू अथवले सर, अथवले सर की वजह से मैं आपके बीच में हूँ, आज आपके सबके सामने हूँ.
बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मैं जान पाई हूँ। हो सकता है मैं एक्ट्रेस हूँ, लेकिन आप एक्टर से कोई कम थोड़ी हो। आप तो बहुत, आप घर चलाते हो, आप हाउस वाइफ हो, कितने लोगों को संभालते हो। हम सब अपने आप को संभालते हैं, आप लोग दुनिया को संभालते हो, पूरे फैमिली को संभालते हो। इट गोज टू यू, ऑल द क्रेडिट गोज टू एवरी हाउस वाइफ, बिकॉज एक सीईओ बनना काफ़ी ईजी है, लेकिन एक हाउस वाइफ बनना इतना ईजी नहीं है। थैंक्स टू सीमा ताई, सीमा ताई ने मुझे आज बुलाया और मुझे, आई एम सो ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी कॉल्ड मी हियर। और अभी हम सावित्री माँ के बारे में बोल रहे हैं। मैं बचपन से पढ़ी हूँ उनके बारे में, कैसे वो लड़ते थे लोगों के साथ कि हमें लड़कियों का एजुकेशन होना चाहिए, लड़कियों के एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट। अभी हम इतने सदियों के बाद इसके बारे में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन हम लड़ रहे हैं। वो कब के सावित्री माँ ने कब से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उनका विजन देखिए, आज हम वही विजन लेके चल रहे हैं। वो जो आज हम बोलते हैं विमेन, एक विमेन एजुकेशन के लिए एक स्कूल खुले हैं, तो हमें बोला जाता है बहुत बढ़िया काम किया। जब उन्होंने बोला था कि हमें ये स्कूल खोलना है, तब उनको बहुत लोगों ने बहुत उल्टे सीधे बात किए, बहुत छोटा किया, क्योंकि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकते। आज वही विजन में हम आज चल रहे हैं। शी इज़ अ सोशल रिफॉर्मर, शी इज़ अ पोएट, शी इज़ अ एजुकेशनिस्ट, एंड शी इज़ अ फर्स्ट टीचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो ऑल ग्रेटनेस, ऑल वी आर ग्रेटफुल फॉर द ग्रेटनेस वी हैव, एंड उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया, उनके वजह से हम इसी रास्ते में हैं। और शायद आज हम इतने एजुकेटेड हैं, इन्होंने जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे हमने कई बरस बाद, कई सालों के बाद, कई जमाने बाद ये रास्ते में चले हैं। और वी आर सो सक्सेसफुल एंड वी आर गोइंग अहेड, लड़ रहे हैं लेकिन आगे आ रहे हैं। सो वी ऑल वीमेन शुड बी टुगेदर एंड शुड फाइट अगेंस्ट एवरी वॉर्ड एंड वी शुड बी द टॉप। थैंक यू, थैंक यू। हमें लगा पायल जी सिर्फ एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस जितना बोला जाता है उतने बोलती है, लेकिन मन की बातें भी उन्होंने, पायल जी ने सावित्री माई की भूमि में बार बोली है। बहुत अच्छा पायल जी, आप हमारे साथ रहो, हम भी आपके साथ हैं। आपके पर कोई भी अन्याय हो, अत्याचार हो, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग हमारे, मेरे साथ हो, और रामदास अथवले सर शुरू से मेरे साथ में रहे हैं, सीमा ताई मेरे साथ में रहे, आप लोग मेरे साथ में हो, अभी सब मिल के दिखाते हैं। सर्वप्रथम मैं माता जी जाई माहित नहीं तो परत मागवले सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता जिजाई, माता रमाई, माता रुणाई, माता कालिताई फुले यांना अभिवादन करते, त्यांच्या विचारांना अभिवादन करते। आज मैं हिंदी में बात करती हूँ क्योंकि पायल जी यहाँ उपस्थित है। आज सावित्री बाई फुले जी का जन्म दिन है, तो उसी अवसर पर उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनका जन्मदिन हमारे लिए, वहाँ उनका भारत देश में जन्म हुआ, वो सब हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि उनका जन्म हुआ इसीलिए आज हम लोग आज यहाँ बात कर रहे हैं, स्वाभिमान और अभिमान से खड़े हैं। सर्वप्रथम उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सब महिला मंडल, जो राष्ट्रीय सचिव है शिलाताई, अभी अभी जिनको उपाध्यक्ष बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया है पायल जी, गुलाबाई सोनावणे, मुंबई की सब महिला मंडल जो उषाताई है, उषाताई रामेंद्र है, उषाताई शेरगढ़ है, शशिकला जाधव है, अभयताई, सब 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 सर्वांना मी मानाचा आणि क्रांतिकारी जयभीम करते। सर्व उपस्थित महिलांचं अभिनंदन करते। खरं म्हणजे कोरोना हा महामारी आपल्याला एक वर्षापूर्वी आपल्या पूर्ण जगामध्ये आलेली आहे, त्याच्यामुळे आपण एक वर्ष म्हणजे आपलं वर्ष एकदम
कठिन परिस्थितीतून गेलेला आहे. आपण आज खूप दिवसांनी एक वर्षानंतर भेटतो आहोत, कारण आता थोडीशी भीती त्यापूर्वी थोडीशी नष्ट झालेली आहे. तर म्हणजे आपण हा जयंतीचा उत्सव जो घेतो, हा सावित्रीबाई फुले जयंती, जिजाबाईंची जयंती आणि माता रमाईंची जयंती असं एकत्र मिळून ती शक्तीचं जागर असा आपण मोठा असा कार्यक्रम घेत असतो. अजून दोन महान स्त्रियांचा जन्मदिवस बाकी आहे. जर हे करोनाचं जर संकट आपल्याहून निघून गेलं तर आपण निश्चितपणे मोठ्या हॉलमध्ये कार्यक्रम घेऊ. तेव्हा मार्चमध्ये आपण घेऊ शकतो आणि लसीकरण सुद्धा तेव्हा होऊन जाईल. आणि त्यावेळेला आपण काय विषय ठेवायचा साहेबांना विचारून आपण चांगल्या पद्धतीने हा कार्यक्रम घेऊ. आज या ठिकाणी आपण जमलेले आहात तर आपल्याला माहीतच आहे साहेबांनी सर्व ठिकाणी मीटिंग सुरू केलेल्या आहेत. सावित्रीबाई फुले जयंतीच्या निमित्ताने जर्म सर्वांनी आपापले विचार मांडले तर ते आपण ऐकलेलेच आहेत. पण मला थोडा वेगळ्या विषयावर जायचं आहे. माझे आपको पता है कि साहब ने अभी हर जगह पर अपना ऑल इंडिया लेवल पर साहब अभी मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि अपने को 1 करोड़ सभासद बनाना है, साहब का मिशन था. और उसका पौती पुस्तक हमारे बेसमेंट में पूरा बेसमेंट भर चुका है. जैसे ही पौती पुस्तक बनकर आया वैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ मार्च मंथ से. और जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ वो महामारी ऐसी है कि लोगों से लोगों को दूर कर रही है. एक दूसरे के लिए बात भी नहीं कर सकते, हाथ भी मिला नहीं सकते. ऐसी महामारी अपने पूरे देश पर नहीं पूरे वर्ल्ड पर आई है. तो ये महामारी अभी थोड़ा थोड़ा उनका प्रभाव कम हुआ है. तो अपने को नियुक्त आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उनको जनवरी तक 26 जनवरी तक अपने पास कितने सभासद है उनकी गिनती उनका आंकड़ा अपने को बताना है. तो साहब ने पूरा अभी मिशन चालू किया मीटिंग लेने का और सभासद नोंदनी करना है. तो तालुका और जिला वाइज से स्टार्ट किया है. हर वार्ड तालुका और जिला से स्टार्ट किया है. जितनी महिला यहाँ पर उपस्थित है वो जाकर अपने जो पहचान वाले हैं वो आठोले साहब के पार्टी में क्यों आना चाहिए, आठोले साहब पार्ट पक्ष जो चलाते हैं वो किसके लिए चलाते हैं, वो काम क्या करते हैं और किस वजह से पार्टी में जुड़ना चाहिए वो लोगों को बताना चाहिए. और जितने लोग एक पुस्तक पहले जो मेंबर होते हैं 50 रुपये का एक पौती पुस्तक लेना है वो क्रियाशील मेंबर रहेंगे, उनके बाद में 10-10 रुपये का एक पौती फाड़ना है और आठोले साहब के साथ में जुड़ना है. क्यों जुड़ना है? क्योंकि आप घर में बैठे हो और मैं महिला हूँ और मैं घर में काम करती हूँ, मुझे आठोले साहब की पार्टी में जाकर क्या करना है, ये सोच उनके साथ में बदलनी है. वो अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता जो क्रियाशील मेंबर है उन्होंने जाकर उनको समझाना है कि आप घर में बैठी हो काम करती हो लेकिन आपके ऊपर भी कभी घर के ऊपर भी कभी कुछ संकट आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो सुलझाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं. उनको एक सुरक्षित हम आपका जीवन सुरक्षित करना चाहते हैं. वो हमारे पार्टी के वर्ष ऑलरेडी कर रहे हैं, आठोले साहब तो इतने दिन से कर रहे हैं. आठोले साहब का नेतृत्व और कर्तृत्व हमारे लिए बहुत बड़ा है और ऐसे कर्तृत्ववान नेता हमारे हैं इसके लिए मुझे बहुत बड़ा अभिमान है. उनके लिए थोड़ा सा मैं ऐसा बोलना चाहूंगी, आठोले साहेब समाज कार्यकर्ता तत्पर असतात मान सन्मान सोबत. आठोले साहेब समाज कार्यात काम करत असतात तत्पर असतात मान सन्मान सोबत. कोणीही किती टीका केली त्याच्याकडे लक्ष न देता विरोधकाची ते करतात दूर. आठोले साहेब समाज कार्यात तत्पर असतात सोडून मान सन्मान. आठोले साहेब समाज कार्यात तत्पर असतात सोडून मान सन्मान. कोणीही किती टीका केली त्यांच्यावर लक्ष न देता विरोधकाची करतात धूळदान. म्हणूनच ते आज मंत्रिपदामध्ये झालेले आहेत, मोदी सरकारात मंत्रिपदामध्ये झाले धूळदान. असं कर्तृत्ववान नेतृत्व आम्हाला लागलं त्याचा आहे आम्हाला अभिमान, त्याचा आहे आम्हाला अभिमान. आता आठवले नेतृत्व आपल्या पाठीशी आहे, त्यांच्या पाठीशी आता आठवले साहेब फक्त सरकारमध्ये आहेत तर आपल्या सर्व आम्हाला देखील वाटतं की पक्षाच्या दुसऱ्या लोकांनी देखील सरकारमध्ये सदस्य म्हणून एक महामंडळ मिळालं पाहिजे, महिलेला मिळालं पाहिजे, पुरुषांना मिळालं पाहिजे. वेळोवेळी मिळालेलं आहे पण एक नाही तर 2 मिळतं. पण आठवले साहेबांची ताकद जर वाढवली आपल्याला तर खरोखरच आपल्याला सरकारमध्ये जास्तीत जास्त रीतीने आपली ताकद दाखवता येईल आणि आपोआपच आपले जास्तीत जास्त त्यांना घेण्याशिवाय शक्ती दाखवली तरच आपल्याला त्यांना सरकारमध्ये घेण्याशिवाय आपल्याला भाग पडणार नाही. आत्ता जरी सरकार शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं असेल तर येणारं सरकार आपलं असावं. आता पुढच्या वर्षी
महानगर पालिकेच्या निवडणुका होऊ लागतात तर त्याची तयारी महिला मंडळाने आतापासून करायची आहे। कारण आपण दरवर्षी बघतो की महिलांना तिकीट देतात 17-21 अशी तिकीट दिले जातात पण ते सर्व कार्यकर्त्यांच्या नातेवाईकांना देतात। आम्ही दरवर्षी मागच्या वर्षी पोषातांनी फॉर्म भरला अभयातांनी फॉर्म भरला तरी वॉर्ड आपल्याला सुटले नाही पण त्या या वर्षी आपण असं करायचं की साठोले साहेबांच्या आणि त्या प्रक्रियेमध्ये आपली एक महिला असली पाहिजे की आतापासूनच आठवले साहेबांकडे मागणी करायची आहे। जो अगले साल इलेक्शन होने वाला है हर साल इलेक्शन में 17-18 टिकट मिल जाती है महिलाओं के लेकिन जो क्रियाशील मेंबर महिला काम करती है उनको टिकट नहीं मिलता है। जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनके भाई बहन घर के लोगों को उनको मिलता है और कोई भी अचानक उनको मिल जाता है तो हमारे मन में दुख हो जाता है। 4-4, 5-5 बजे तक हम इधर मीटिंग ले लेते हैं। वो 2 साल का 2 इलेक्शन का हमको बहुत ऐसा भयानक हमको एक्सपीरियंस हुआ है कि आठवले साहब को ये बात इस इलेक्शन में अपनी जो कार्य करने वाली लेडीज है उनको ही टिकट मिलना चाहिए। कोई वार्ड करेंगे और जास्तीत जास्त महिला आज आम्मी 50 फक्त पाकिट मागली होती पण जास्तीत जास्त महिला मंडळ या ठिकाणी आलं आणि सर्वांची भाषण ऐकली। सर्वांच्या भाषणाचा आणि सावित्रीबाई फुलेंनी जे योगदान दिलेलं आहे आणि जे आपल्यासाठी काम केलं आहे त्या ती ऊर्जा घेऊन आपण या ठिकाणी जाणार आहोत। आपण कुणाला घाबरणार नाही। आपण आपल्या घरामध्ये चांगलं राहूया। नवीन येणारे वर्ष हे कोरोना मुक्त असावं। सर्वांनी वॅक्सिन घ्या। सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। सर्वांना सुख आणि समृद्धीचं आयुष्य जावो जीवन जगावं अशा शुभेच्छा देते। नमो बुद्धाय। सगळ्यांनी थांबायचं आहे नंतर नाही काढते ना चला चला भाई
चला 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 थोड़ा रुकिए आप पायल जी, वेट 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 एक मिनट रुक जाओ, जीत पाया जाओ, जीत पर जीत पाया जाओ, वेट अड़ा एक एक ओके ओके नहीं 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 सो गाड़ी किधर गाड़ी बुढ़े 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 क्या है ना बुढ़े ये क्या गाड़ी बुढ़े ना